नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर बालाघाट जिले के बिरसा जनपद पंचायत के ग्राम दमो से है। ग्राम पंचायत चुनाव के संपन्न होने के पश्चात ग्राम पंचायत में उपसरपंच पद के चयन की प्रक्रिया दिनांक 26 जुलाई 2022 को की गई, जिसमें निर्विरोध रूप से ग्राम दमोह के नवयुवक अरविंद बंजारे को उपसरपंच बनाया गया। सभी पंचों ने अपनी सहमति उपसरपंच पद हेतु अरविंद बंजारे को दी। ग्राम दमोह के पंचायत में नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती यशोदा ध्रुवे और सभी पंचों ने मिलकर उपसरपंच पद हेतु चयनित अरविंद बंजारे को बधाई दी। पंचायती राज न्यूज की ओर से बधाई देते हुए हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा ने सरपंच श्रीमती यशोदा ध्रुवे से ग्राम पंचायत के विषय में चर्चा की कि वो पहली प्राथमिकता किस कार्य को देंगी। उन्होंने कहा कि मैं सर्वप्रथम गांव में स्वच्छता पर पहल करूंगी और प्रयास करूंगी कि हमारा ग्राम पूरे प्रदेश में एक सुंदर, विकसित, खुशहाल गांव के रूप में हो। उन्होंने सभी ग्रामवासियों का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने अपना विश्वास और मत उन्हें सौंपा है और वो इस जवाबदारी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पूर्ण करेंगी। उन्होंने कहा कि गाँव के विकास का संकल्प लेकर कार्य करेंगे। हाँ, सरपंचों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और मेरे चाचा जी हैं उनको भी, और एक तरफ हैं उनको भी, और भैया जी है। हाँ, सरपंचों के को लेके चलूँगी और अच्छे से काम करवाएंगे, विकास करवाएंगे गांव की। और इसमें तो मैं अकेली तो करवा नहीं सकती ना, तो आप लोग सब सहयोग देना और हमेशा सब लोग टाइम में पहुंचना यहाँ पर। धन्यवाद, इतने ही बोलूँगी, अब ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी मैं। सरपंच महोदय, मेरा आपसे कुछ सवाल था। हाँ। कि आप गांव दमोह की सरपंच बनी है। हाँ। तो आपका क्या दृष्टिकोण है, आप गांव के विकास के विषय में कुछ कहना चाहेंगी, आप क्या करना चाहती हैं? मैं तो सबसे पहले करवाना चाहती हूँ कि सफाई अभियान हमारे यहाँ बहुत तो है ना, गंदगी के कारण। तो सबसे पहला वही है कि मैं सफाई अभियान करवाऊँ। और आप क्या चाहती हैं महिला बहनों और पंचों के लिए कुछ संदेश आपके? संदेश है वही कि हम लोग सब मिल के करवाएंगे अच्छे से काम, सभी पंच, और धन्यवाद, इतनी ही बोलूँगी, ज़्यादा से नहीं बोल सकती। अभी तो नाले नहीं है, क्या मीटिंग रखते तो पीछे तरफ।